न्यूज सच जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना के जलस्तर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, ऐसे में जो लोग इनके किनारों पर रह रहे हैं वो वहां से हट जाएं। सरकार हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे में सभी से अपील की है कि उन्होंने कहा कि नदी के किनारे की तरफ जाने से बचें। यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के लिए हमने पर्याप्त बंदोबस्त कर रखे हैं। सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया अकाउंट से रविवार को उन्होंने ये ट्वीट किया। मालूम हो कि शुक्रवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से पार कर गया था। शनिवार दोपहर 3 बजे तक इसका जल स्तर 205.99 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने ओखला बैराज को खोल दिया, इसके कारण जल स्तर घटना शुरू हुआ। रविवार रात तक उम्मीद थी कि यह खतरे के निशान से नीचे हो जाएगा। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। रात 8 बजे तक जल स्तर 205.88 तक आ गया था। रविवार रात तक यमुना में पानी का स्तर 205.70 होने की उम्मीद जताई गई है। शनिवार को हरियाणा की तरफ से हथनी कुंड बैराज से लगभग 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, इसके कारण जल स्तर बढ़ने लगा था। इसे देखते हुए ओखला बैराज से पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया था कि रविवार को इसका जल स्तर 204.75 तक पहुंच सकता है। चेतावनी का स्तर 204.50 है। इस बीच यमुना खादर में रहने वाले लोगों को यहां से हटा दिया गया है। उन्हें सामुदायिक भवनों, स्कूल के साथ अब कुछ जगहों पर टेंट लगा कर रखा गया है। इन लोगों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।